जी दोस्तों, सो आज मैं आपसे शेयर करूंगा जो नॉर्थ अमेरिका में हेलोवीन सेलिब्रेट होता है। हेलोवीन जो है वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड सबसे बड़ा जो उसकी सेलिब्रेशन है, सबसे मेगा सेलिब्रेशन वो नॉर्थ अमेरिका में होती है, विच इज़ अगेन यूएस कनाडा। तो यहाँ हम आज यूएस में हैं और ये मैसाचुसेट्स में है, जहाँ हम जो है वो हेलोवीन की सेलिब्रेशन अटेंड करने आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ है ऐसा कि हर शहर में कुछ स्ट्रीट्स ऐसी होती हैं जहाँ लोगों ने जो है वो काफ़ी सारा ही क्या कहते हैं इससे सेलिब्रेशन या काफ़ी सारा जो है वो माहौल बनाया होता है हेलोवीन का। और माहौल ही है जो चीज़ मैं आज आप लोगों से शेयर करूँगा कि वो माहौल कैसा है और यहाँ जो है वो सेलिब्रेशन कैसी होती है। सो आई हैव ब्रॉट माई फैमिली हेयर, आई एम हेयर विद माई फादर एंड माई सन, और उनको जो है वो मैं वो स्ट्रीट विज़िट करा रहा हूँ, यहाँ जो फेमस स्ट्रीट है हमारे नेबरहुड की जहाँ हेलोवीन की सेलिब्रेशन होती हैं, और वो जो है अपनी ट्रीट्स वगैरह जमा करेंगे। सो आई विल कीप यू पोस्टेड। अच्छा, तो ये वो फेमस स्ट्रीट है हमारे नेबरहुड की जहाँ हेलोवीन की सेलिब्रेशंस होती हैं, और यहाँ जो है वो स्ट्रीट पुलिस ने या यहाँ के जो टाउन की अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने बंद कर दी ताकि यहाँ से गाड़ियाँ ना जा सकें और सिर्फ लोग आएँ जो कि यहाँ की सेलिब्रेशंस अटेंड कर रहे हैं। ये सब लोग अपने जेब से पैसा खर्च करके ये सारी सेलिब्रेशंस करते हैं। अच्छा, सेलिब्रेशन से मुराद ये कि अपने हाउस को डेकोरेट करना, उसमें जो है वो डिफरेंट कैरेक्टर्स लगाना, और बाहर जो है वो एक ट्रीट का बोल लेके बैठ जाना जिससे जो है ट्रीट्स बच्चों को वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। चले, मैं आपसे आगे शेयर करता रहूँगा। अब हम स्ट्रीट में आ गए। अच्छा, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है वो गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद की हुई है और बस लोग वॉक कर रहे हैं, और जैसे जैसे हम आगे जाते रहेंगे और डेकोरेशंस नज़र आएंगी आपको घरों के बाहर, और लोग बैठे हुए हैं। जिस तरह देखें, ये बैठे हुए हैं, दे आर गिविंग अवे ट्रीट्स एंड पीपल स्पेशली किड्स दे आर फिलिंग अप देयर बैग्स, और अपने बैग सारे भर रहे हैं ट्रीट्स से, जो कि सारी ट्रीट्स जो हैं यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। अभी ये देखें, ये एक घर जो है वो डेकोरेट हुआ हुआ है, और अगेन ये सब जो है उनकी अपनी पर्सनल स्पेंडिंग से हुआ हुआ है, और ये लोग बाहर बैठे हुए हैं और यहाँ डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं ट्रीट्स वगैरह। किड्स आर इन्जॉइंग सीइंग दिस, इट्स जस्ट अ फन डे फॉर किड्स। अच्छा, यहाँ कोई छुट्टी नहीं है इसकी, बस ये सब बच्चे जो हैं वो स्कूल के बाद जो है 31st of October एवरीवन जस्ट डेकोरेट्स, और फिर ये लोग जो हैं बच्चे वगैरह यहाँ नेबरहुड में जाते हैं और कलेक्ट करते हैं ट्रीट्स। अच्छा, ये देखें, एक और डेकोरेशन हुई हुई है इसी स्ट्रीट के आसपास, और कुछ लाउड म्यूज़िक भी इन्होंने लगाया हुआ है, स्केरी काइंड ऑफ म्यूज़िक। अगेन द आइडिया है इसके स्केरी माहौल जो है वो क्रिएट किया जाए, बट फॉर फन सेक। अच्छा, ये आप देख सकते हैं लोग जो है वो डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स में तैयार भी हुए हैं। ये एक चिकन कॉस्ट्यूम किसी ने पहना हुआ है। एनीवेज, लेट्स कीप गोइंग। एंड दिस इज अनदर हाउस डेकोरेशन दैट वी सी ऑफ हेलोवीन। बच्चे भाग रहे हैं, अपना कलेक्ट कर रहे हैं सामान, और ये ट्रीट बॉक्स हैं जिसमें से वो ट्रीट्स डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। अच्छा, कुछ फिर जो हैं वो थीम हाउसेस भी होते हैं, या उन्होंने किसी ख़ास थीम पे जो है वो अपनी डेकोरेशन की होती है। तो ये भी कोई स्पूकी थीम है, आई डोंट नो, मे बी सम कार्टून कैरेक्टर्स या सम मूवी कैरेक्टर, जिस पे जो है वो उन्होंने अपना घर डेकोरेट किया हुआ है बाहर। आप देख सकते हैं रोड सारी ब्लॉक है, ब्लॉक से मुराद गाड़ियों की इजाज़त नहीं है, रोड बंद की हुई हैं दोनों एंगल से, दोनों साइड से, और जितने भी यहाँ लोग हैं वो ड्रेस्ड अप हैं, अपनी कैंडीज जमा करने आए हैं। आई जस्ट लाइक कमिंग हेयर बिकॉज आई लाइक सीइंग द काइंड ऑफ डेकोरेशन पीपल डू, और किस तरह से उन्होंने जो है वो सजाया होता है अपना घर। आई एम काइंड ऑफ इम्प्रेस्ड विद ऑल दिस। पता नहीं, मैं शायद मुझसे जस्टिफाई नहीं होता इस तरह की स्पेंडिंग खुद करना, पर एटलीस्ट आई एंजॉय कमिंग हेयर एंड बींग पार्ट ऑफ इट। और खैर, मैं जिस स्ट्रीट पे रहता हूँ वहाँ इतनी सेलिब्रेशंस होती भी नहीं है। थोड़ा सा प्रेशर ये भी होता है कि आप किस स्ट्रीट पे रह रहे हों, उसमें अगर आपको नेबरहुड जो है वो इस तरह की सेलिब्रेशंस कर रहा होता है तो थोड़ा सा प्रेशर होता है। अच्छा, लेट्स कीप वॉकिंग थ्रू द स्ट्रीट। और ये अभी हमको सामने बैटमैन भी नज़र आ रहा है, इन्होंने बैटमैन का यूनिफॉर्म पहना हुआ है। देयर यू गो, सी बैटमैन हियर।
एंड चेक दिस हाउस आउट एज वेल, ये सारी भी इन्होंने डेकोरेशन की। अच्छा, बहुत से लोग जो हैं वो डेकोरेशन ऐसा नहीं करते कि ख़रीदते हैं, वो ख़ुद बनाते भी हैं घर पे, मतलब पुराना सामान लेके, पुराना कोई कार्डबोर्ड लेके और उससे जो है वो क्रिएट करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि पिछले जो साल की हेलोवीन है उसका सामान रीपर्पज़ भी करते हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि थीम रोटेट करते हैं, थीम चेंज करते हैं, कुछ नया करते हैं। सो अगेन इट डिपेंड्स कि लोगों को कितना शौक है इस इवेंट को सेलिब्रेट करने का, और अपने शौक के हिसाब से वो लोग जो हैं इस पर पैसे खर्च करते हैं। अच्छा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, एक ये इन्होंने जो है वो थोड़ा सा ओल्ड अमेरिकन स्टाइल का सलून बनाया हुआ है, और ये देखें इसमें कॉबॉय बनाए हुए हैं और अंदर सारा सेटअप है, बहुत अच्छा। ये शेरिफ भी है और वो पुराने कपड़े भी उन्होंने पहने हुए हैं, वेरी नाइस। अच्छा, इसमें अगर इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, सो प्रॉब्ली क्रिसमस हॉलीडेज और थैंक्स गिविंग के अलावा या उसके बाद जो है ये तीसरा बड़ा स्पेंडिंग इवेंट होता है। हॉलीडे तो मैं इसको नहीं कहूँगा क्योंकि इसमें छुट्टी नहीं है, ये बैंक हॉलीडे नहीं है, लोगों के ऑफिस स्कूल वगैरह सब खुले हैं, बट सेलिब्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन ये तीसरा बड़ा नॉर्थ अमेरिकन जो है वो एक डे या इवेंट होता है। ये देखें बड़ा अच्छी से लोगों ने विच भी बनाई है। अच्छा, जैसे जैसे डार्क होता रहेगा वैसे वैसे ये और माहौल जो है यहाँ डेवलप होता रहेगा, यहाँ लोग और आते रहेंगे क्योंकि थोड़ा सा रात को और स्पूकी माहौल हो जाता है, थोड़ा सा और फन हो जाता है, बहुत सी चीज़ें जिसमें जो लाइट्स और लैंप्स हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये देखें एक और घर है। अच्छा, इसमें मैं ये भी सोच रहा था कि इन जो घरों के जो स्ट्रीट पे घर हैं उनको ये फिर प्रेशर भी होता है टू सेलिब्रेट और टू डेकोरेट देयर हाउस, क्योंकि अगर नेबरहुड में बाकी सब ने जो है वो डेकोरेशंस की भी हैं और आप वाहिद हैं इस पूरी स्ट्रीट पे जिसे नहीं की, तो यू काइंड ऑफ फील प्रेशर्ड कि यार मुझे भी कुछ ना कुछ करना है। तो हर कोई अपनी सकत के हिसाब से करता है, पर आई एम श्योर जो है रियल एस्टेट एजेंट जब यहाँ घर रेंट पे दे रहे होंगे और या सेल कर रहे होंगे तो उनको बायर्स को बताना पड़ता होगा या टेनेंट्स को बताना पड़ता होगा कि ये भी एक कॉस्ट है, ये भी एक एलिमेंट है जिसका उन्होंने ख्याल रखना है अगर उनको शौक है हेलोवीन का या नहीं है, पर ये सेलिब्रेशन में उनको हिस्सा लेना पड़ेगा। अच्छा, ये आप एक और घर देख सकते हैं मेरे पीछे, इसी तरह अच्छा सा डेकोरेट हुआ हुआ है। अच्छा, एक बात मैं और भी बताता चलूँ कि यहाँ जो बहुत रिलीजियस तबका है वो ज़रूरी नहीं है कि बहुत मज़हबी तबका, ज़रूरी नहीं है कि वो मुस्लिम ही हो, क्रिश्चियन या किसी और मज़हब के भी हो सकते हैं जो ज़्यादा रिलीजियस हैं, वो कुछ इसको इवेंट को बुरा भी समझते हैं और वो कहते हैं ये सही नहीं है, जबकि बहुत से लोग मुझ जैसे वो ये कहते हैं कि इट्स जस्ट काइंड ऑफ अ कॉस्ट्यूम पार्टी, कॉस्ट्यूम फन, इसमें कोई इतना रिलीजियस एलिमेंट डालने की ज़रूरत नहीं है, इट्स जस्ट लाइक अनदर हॉलीडे, हॉलीडे अगेन मैं गलत वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बट जस्ट डे फॉर सेलिब्रेशन, डे फॉर एन्जॉयमेंट। अच्छा, ये एक बड़ा फन स्पाइडर बीच में लगाया हुआ है। अच्छा, ये घर एक और बहुत अच्छा डेकोरेट हुआ हुआ है, आई रियली लाइक इट, सम नाइस कलर ऑफ लाइट्स एज वेल। अच्छा, में जैसे जैसे रात होती जा रही है वैसे वैसे यहाँ माहौल जो है वो और अच्छा होता जा रहा है, क्योंकि जितनी भी ग्लोव्स हैं, जितनी भी लाइट्स हैं वो और अच्छी लग रही हैं। बट इन एनी केस वी आर रीचिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ आवर सेशन, और हमने पूरी स्ट्रीट जो है वो देख ली है और कैंडी जमा कर ली हैं, सो इट्स टाइम फॉर अस टू नाउ हेड होम। एनीवेज गाइस, इन केस यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस चैनल पे मैं और मेरी वाइफ बतूल हम कंटेंट शेयर करते हैं विद रिगार्ड्स टू हाउ टू मूव टू नॉर्थ अमेरिका, हाउ टू सेटल इन नॉर्थ अमेरिका, लाइफस्टाइल इन नॉर्थ अमेरिका, पर्सनल फाइनेंस इन नॉर्थ अमेरिका, ये सब चीज़ें। सो एनीवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।